ଚେନ୍ନାଇର ମେୟର ରାଧାକିଶନ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି ଏସିଆନ ହକି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2023 ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ କାରଣ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁକାବିଲା ହୁଏ ସବୁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥାଉ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମୁକାବିଲା ହେବ ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ହକି ଖେଳାଳି ତଥା କୋଚ୍ ବାସୁଦେବନ ଭାସ୍କରନ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାର୍ 1980 ମେ ହକି ଅର୍ ଫିଲହାଲ ହକି ସାର୍ କ୍ୟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ठीक है दोनों टर्फ में खेला था लेकिन हॉकी यहाँ अभी हो रहा है मतलब आफ्टर 20 इयर्स और 25 इयर्स वो अपना सरफेस बदलते रह गया था हॉकी मतलब चौटा टर्फ हो गया था पॉलिटन हो गया था सैंड टर्फ हो गया था लेकिन हॉकी में क्या हो गया बॉल सब चेंज हो गया और स्पीड ऑफ द बॉल इज डिफरेंट रनिंग स्टाइल इज डिफरेंट सो हॉकी मतलब हॉकी तो गेम सेम है लेकिन स्पीड और अच्छा हो गया और बॉल कैरी अच्छा हो गया और पेनल्टी कॉर्नर गोल कीपिंग एवरीथिंग बिकम टेक्नोलॉजी एंड साइंस तो इसमें ज्यादा फर्क है सर टर्फ आ गया इसीलिए हॉकी थोड़ा फास्ट हो गया नहीं हॉकी मतलब रूल भी चेंज हो गया ना अभी देखो अभी फोर क्वार्टर्स हो गया पहले आपको 35 था अभी तो 15 मिनट में है सो इसमें आपको सब प्लेयर को रोलिंग सब्स्टिट्यूशन भी है सो जरूर इसको सब टीम में वो फायदा उठा लिया और गेम अभी फास्ट चल रहा है सर आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच टीम इज फेवरेट नहीं हम तो देखो स्पोर्ट्स में तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है लेकिन अभी बिकॉज इंडिया इज रैंक 4 और 5 इन द वर्ल्ड वेर पाकिस्तान इज ओनली 16 लेकिन पाकिस्तान फिर भी देखो अब ये इंडिया पाकिस्तान हमेशा होता है इट्स नॉट अ प्रेशर गेम इट्स एन्जॉयबल गेम हमेशा मतलब ज्यादा बॉल मिलेगा ज्यादा स्पेस मिलेगा ज्यादा ट्रिबलिंग दिखाएगा स्टिक पैक मिलेगा गोलकीपिंग एक्टिंग देखेगा आप पेनल्टी कॉर्नर सब हॉकी स्किल्स हॉकी इंडिया पाकिस्तान में आप ये अभी 12 दिन में मैच हो रहा है ये मैच में आपको मिलेगा जो टूर्नामेंट चल रहा है तो डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया है इंडिया साउथ कोरिया के अगेंस्ट 3-2 गोल में विन हासिल किया है सर लग रहा है टीम इंडिया जैसे परफॉर्म कर रहा है टीम इंडिया इस मैंने टूर्नामेंट जीतने के लिए फेवरेट है नहीं एक तो देखो इंडिया जरूर जीतेगा और लेकिन मैच अपना अपना मैच में क्या हो रहा है सेमीफाइनल नॉकआउट हो रहा है ना पहले लीग था तो सेमीफाइनल में मतलब और ज्यादा मतलब कॉशन होगा प्लेयर लोग और डिमांडिंग होगा और इतना जल्दी हम बोल नहीं बोल सकते हैं इंडिया जीत जाएगा लेकिन इट बी टफ गेम बट इंडिया कैन विन फेवरेट टीम सर एशियन गेम पहले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है सर एशियन गेम में भी वो सारे टीम होंगे सर एक वन टाइप ऑफ प्रैक्टिस मैच कह सकते हैं नहीं नहीं इट्स नॉट प्रैक्टिस मैच इट इज बिकॉज जापान टीम कोरिया टीम जो को दे हैव गिवन थोड़ा एग्जाम्पल लेगा ये इनको ट्राई आउट के लिए प्लेयर लेकर आया हमारा भी फुल टीम नहीं है हमारा 18 भी अनाउंस नहीं हुआ तो इसमें हर एक टीम ट्राई कर ला है ये अच्छी बात है क्योंकि 4 मैच मिल रहा है 1 महीने के अंदर आपको और एक मैच मिल रहा है आपको सो दैट इज अ मस्ट एंड द टूर्नामेंट चलते चलते रहता है टूर्नामेंट के लिए अच्छा होगा सर और एक बात जो भी मैच चलता है हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच आज प्रेस मीट में कुछ बात ऐसे करते हैं कि टीम इंडिया के कप्तान या कोच वो बोलते हैं कि हम रेडी है पाकिस्तान भी बोलते हैं हम रेडी है और ऐसे जब टूर्नामेंट होता है इंडिया पाकिस्तान मैच चलता है सर बायलैटरल सीरीज होना चाहिए क्या नहीं बायलैटरल सीरीज जरूर होना चाहिए क्योंकि इसमें हमको एफआईएस कैलेंडर अभी आजकल हॉकी का टाइट हो गया ना मैच ज्यादा हो गया फाइसेट भी हो गया सो इसमें आपको हर एक साल में जरूर मैच आपको और टेस्ट मैच खेलना का जरूर चाहिए नॉट ओनली एशियन ऐसा ट्रॉफी तो हर एक साल में होना चाहिए ठीक है अभी तो कोई तो चला गया सो हर एक साल यू कैन ऑलवेज हैव एन एशियन ट्रॉफी कभी बॉम्बे में रख लो कभी मतलब बैंगलोर में रखना चाहिए सो बाकी सब देख सकता है सर व्हाट डू थिंक अबाउट ओडिशा एंड ओडिशा हॉकी एंड ओडिशा हॉकी प्लेयर नो ओडिशा तो ओडिशा इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉकी थिंक हम उधर कोचिंग भी किया सुंदरगढ़ पंपोज में लेकिन यहाँ अभी मतलब अभी तमिलनाडु भी वहां से सीख लिया और इसका मतलब वो वहाँ इधर मेट्रोपोलिटन सिटी से आप देख लो हमारा क्राउड कम है वहाँ आपका क्राउड ज्यादा है लेकिन अभी ये स्टोन है अभी आगे भी मतलब टूर्नामेंट आएगा सेम मतलब क्राउड आएगा और ओडिशा ऑलवेज सपोर्ट हॉकी एंड तमिलनाडु ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑल्सो सपोर्टिंग हॉकी सर लास्ट क्वेश्चन सर फिलहाल जो टूर्नामेंट चल रहा है आप बोल रहे हैं कि टीम इंडिया जीत सकता है सर अभी भी बहुत सारे गेम में इम्प्रूव होना चाहिए स्पेशली पेनल्टी कॉर्नर और पिछले मैच में सर एक पेनल्टी स्ट्रोक भी मिस हुआ था ये तो वो तो पार्ट ऑफ द गेम अगर मिस हो गया क्योंकि गोलकीपर भी आजकल मतलब पढ़ने लगा हर एक प्लेयर रीड्स एवरीबडी सो इसमें हम उसको हमको कंडम नहीं कर सकता है क्योंकि आगे मतलब प्लेयर आगे मैच के लिए सोचना है आगे करेक्शन खुद कर सकता है क्योंकि इंडियन प्लेयर पूरा देव प्लेड मोर देन 100 गेम्स उनको करेक्शन जरूर होगा और अच्छा खेलेगा सर थैंक यू फॉर योर टाइम
ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ହକି ଖେଳାଳି ତଥା କୋଚ୍ ଥିଲେ ବାସୁଦେବନ ବାସ୍କରନ୍, ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଟାଇଟଲ ଫେଭରାଇଟ୍ ବୋଲି ଭାରତ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ସର୍ଟନ୍ ଗେମ୍, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଦଳ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରେ ଏବଂ ସେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରେ, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁବେଳେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭାରତ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହୋମ୍ କ୍ରାଉଡ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଖେଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ଖେଳୁଛି, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ହିଁ ଜିତୁ। ଚେନ୍ନାଇରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।